ज्यादा वक्त नहीं बीता जब प्रधानमंत्री मोदी के पकोड़ा रोजगार वाली बात का विपक्ष ने खूब मजाक उड़ाया था। इस पर खासी राजनीति भी की गई। वहीं एक समय चाय के स्टॉल से रोजी चलाने वाले पीएम मोदी से जुड़ा रहा यह रोजगार भी लाखों की कमाई का जरिया बन चुका है। पुणे के एक चाय वाले ने मिसाल कायम की है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, चाहे वो पकौड़ा बनाना हो या चाय बेचना। इस चाय वाले की मासिक कमाई जानकर आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे। नवनाथ यवले नाम का यह शख्स चाय बेचकर हर महीने 12 लाख रुपए की कमाई करता है। पुणे में यवले टी हाउस हर उम्र के लोगों के चाय पीने के लिए विशेष जगह बन गया है। नवनाथ यवले बहुत जल्द ही अपने टी हाउस को अंतरराष्ट्रीय ब्रांड बनाने वाले हैं। नवनाथ के अनुसार पकौड़ा बिजनेस से उलट चाय बेचने का बिजनेस भी कई भारतीयों को रोजगार दे रहा है। फिलहाल उनके पुणे टी स्टॉल के 3 सेंटर हैं और हर सेंटर पर करीब 12 लोग काम करते हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार खुद को चाय वाले के रूप में भी संबोधित कर चुके हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने पकौड़े बेचने को रोजगार बताया था, जिससे देश की राजनीति काफी गर्मा गई थी। वहीं पुणे के इस चाय वाले ने कमाई का एक नया रिकॉर्ड बना डाला है।